हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडिटर आनंद में। गाइज, आज हम कुछ इस प्रकार से स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है कैन मास्टर। तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वहाँ पर देकर रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस करो ताकि जब मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइज, हम अपने कैन मास्टर एप्लीकेशन में आ गए हैं। अब यहां से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 1.1 का रेटिव ले लेना है। उसके बाद में यहां से आपको मीडिया में चले जाना है और अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फ़ोटो पर आपको बनाना है। तो चलिए गाइज, मैं अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यह रहा हमारा फ़ोटो। अब इसे हमें कुछ इस प्रकार से, इसकी लेंथ को कुछ इस प्रकार से हमें बढ़ा देना है। जितने सेकंड का आप चाहते हैं उतने सेकंड का रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 20 सेकंड का रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हम पेंसिल जूम में आएंगे, इसे इक्वल करेंगे और इसे हमें कुछ इस प्रकार से खींचकर अपने हिसाब से सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ से हमें ऐसे आपको सेट कर लेना है अच्छी से, और यहाँ से हमें ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। आने के बाद हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, मैं अपने टेम्पलेट को ऐड कर ले रहा हूँ। इस टेम्पलेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह रहा हमारा टेम्पलेट। अब हमें कुछ इस प्रकार से इसे जूम करके रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर हम सबसे नीचे चले आएँगे और यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाएंगे। उसमें जाने के बाद यहाँ पर हमें स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। अब हम इसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसे हमें डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसी जो हमने अभी डुप्लीकेट किया है उसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें चले आना है रोटेट में। रोटेट में आने के बाद इसे हमें इस प्रकार से कुछ घुमाकर कर देना है। करने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। अब इसमें हमें एक बॉर्डर लाइन लगाना है। तो चलिए हम लेयर में चलते हैं और मीडिया में चलते हैं। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर हम अपना बॉर्डर लाइन ऐड कर लेते हैं। यह रहा हमारा बॉर्डर लाइन। अब हमें कुछ इस प्रकार से इसे सेट कर देना है किनारे की साइड में। सेट करने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है और इसकी लेंथ को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। और ये जो हमारा फ़ोटो इधर थोड़ा सा बढ़ गया है, इसे हमें थोड़ा सा इस प्रकार से क्लिक करना है। कैंची पर जाएंगे, इसे इस प्रकार से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से हम स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। तो देखिए हमारा बॉर्डर लाइन इधर, तो हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे तो हमारा सेट हो जाएगा। और हम फिर से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। जाने के बाद में यहाँ पर हमें एक और लगाना है। तो चलिए मैं उसे लगा कर दिखा दे रहा हूँ, क्या है आपको दिखाऊंगा। यह है म्यूजिक का लोगो, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे तो हमारा वीडियो और देखने में अच्छा रहेगा। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसकी लेंथ को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है और यहीं से हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। अब इसमें हमें म्यूजिक भी लगाना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो पहले प्ले कर दिखा दे रहा हूँ। गाइस, देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हमें म्यूजिक भी लगाना है। तो यहाँ से हम आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे और यहाँ पर ऑडियो में जाएंगे और जो भी म्यूजिक हमें लगाना है उस म्यूजिक को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं, जैसे मुझे ये म्यूजिक लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, हमारा म्यूजिक ऐड हो जाएगा। अब इसे हमें सेव करने के लिए यहाँ पर हम शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसी क्वालिटी आप चाहें वैसी क्वालिटी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 360 और 12 रखेंगे, इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा घटा देंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइज, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।